कैसे हो? तो आज हम शुरू करते हैं प्रीवियस वीडियो पे बेस्ड क्वेश्चन एंड दिस इज वीडियो नंबर 12। क्वेश्चन लाए हैं, क्वेश्चन है ये दो स्फीयर है, ये भी एक स्फीयर है, इसका रेडियस आर, इसका भी रेडियस आर, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस डी गिवन है, और इसमें भी एक पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है स्फीयर पे, और इस स्फीयर पर भी पॉजिटिव चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कह रहा है द फोर्स ऑफ रिपल्सन इज, फर्स्ट नंबर चॉइस है ग्रेटर देन क्यू एंड क्यू, ग्रेटर देन के क्यू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, सेकेंड चॉइस है लेस देन के क्यू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, चॉइस नंबर थ्री इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, एंड चॉइस नंबर फोर नन ऑफ दिस। खुद से पहले ट्राई करेंगे, नहीं बनेगा तो बताएंगे, दो मिनट ट्राई कर ले वीडियो को पॉज करके। तो चलते हैं, बनाते हैं। देखिए, अगर दोनों स्फीयर को हम पॉइंट चार्ज कंसीडर करते हैं, हमने कंसीडर कर लिया कि दोनों स्फीयर क्या है, पॉइंट चार्ज, तो टोटल चार्ज कहां पे कंसंट्रेट होगा, इसके सेंटर पे, टोटल चार्ज सेंटर पे कंसंट्रेटेड होगा, तो यहां पे कूलंबियन फोर्स कितना होगा, के क्यू स्क्वायर बार डी स्क्वायर, ये होता आंसर। लेकिन ये क्वेश्चन में है ये जो आर है लेस देन डी है, आर का वैल्यू लेस देन डी है, मीन्स ये केस तब होता जब आर वेरी वेरी लेस देन डी होता, लेकिन मेरा जो केस दिया हुआ है आर जो है मेरा लेस देन डी है, सो दिस आंसर इज नॉट करेक्ट। तब होगा क्या, आप देखोगे यहां पे ये पॉजिटिव चार्ज ये पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ड्यू टू इंडक्शन, इंडक्शन के कारण क्या होगा, ये पॉजिटिव सबको रिपेल करके चार्ज को इस तरफ कर देगा, मीन्स स्फीयर के हाफ पार्ट के इधर कर देगा, फिर ये वाला भी इसको रिपेल करेगा, रिपेल करके क्या करेगा, ये चार्ज मेरा इधर डिपॉजिट हो जाएगा, मीन्स चार्ज का कंसंट्रेशन स्फीयर के हाफ पार्ट में इधर ज्यादा है और इधर भी ज्यादा है, मीन्स यहां पे आ जाएगा ये पॉइंट करीब करीब, और ये डिस्टेंस डी डैश होगा, और न्यू फोर्स जो होगा मेरा, न्यू फोर्स एफ डैश के क्यू स्क्वायर बाय डी डैश स्क्वायर, हियर वी सी दैट डी डैश इज ग्रेटर देन डी, और फोर्स होता है मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, तो जब डी का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो फोर्स क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, यहां डी डैश ग्रेटर है तो एफ का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, सो एफ डैश जो होगा लेस होगा किससे, एफ से, एफ डैश लेस किससे है, इससे है, योर करेक्ट आंसर इज डी। समझ गए, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर ये एक स्फीयर है और ये भी एक स्फीयर है, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस डी है और स्फीयर का रेडियस आर है, एंड आर इज लेस देन डी, इस स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज दे रखा है और इस स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज दे रखा है, तब कहता है फोर्स क्या होगा, पहला नंबर चॉइस ग्रेटर देन के क्यू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, दूसरा नंबर चॉइस है लेस देन के क्यू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर,
तीसरा नंबर चॉइस है इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, चौथा नंबर चॉइस है नन। अब हम क्या करेंगे, अगर इसमें भी पॉइंट चार्ज कंसीडर करते हैं स्फीयर को तो मेरा आंसर होता है के क्यू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, बट यहां पे ये स्फीयर पॉइंट चार्ज नहीं है तो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को क्या करेगा अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, मीन्स ये जितना भी नेगेटिव चार्ज है अट्रैक्ट होकर के किधर आ जाएगा इस साइड में डिपोजिट हो जाएगा, मीन्स स्फीयर के हाफ पार्ट से इधर आ जाएगा। सिमिलरली ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा और अट्रैक्ट कर करके ये इस साइड में डिपोजिट हो जाएगा, मीन्स ड्यू टू इंडक्शन सो डिस्टेंस अप्रोक्स इस पॉइंट पे आ जाएगा एंड दिस इज डी डैश, हियर डी डैश इज लेस देन डी। जब ये डिस्टेंस लेस होगा तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा ग्रेटर होगा, देन योर चॉइस नंबर वन इज करेक्ट। समझ रहे हो बच्चों, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दिया हुआ है टू इक्वल चार्जेज आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी, अ थर्ड चार्ज प्लेस्ड ऑन अ परपेंडिकुलर बायसेक्टर एट एक्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर विल एक्सपीरियंस अ मैक्सिमम कूलम्बियन फोर्स व्हेन एक्स इज इक्वल टू डी बाय रूट टू, एक्स इज इक्वल टू डी बाय टू, एक्स इज इक्वल टू डी बाय टू रूट टू, एक्स इज इक्वल टू डी बाय टू रूट थ्री। खुद से ट्राई करेंगे, पहले वीडियो को पॉज कर लेंगे, दो तीन मिनट ट्राई करेंगे क्वेश्चन को खुद से, नहीं बनेगा तब बताते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो पॉइंट चार्ज है, ये एक पॉइंट चार्ज हमने यहां क्यूलेट कर लिया, यहां भी एक पॉइंट चार्ज क्यूलेट कर लिया और दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है। समझ रहे, ये रखा हुआ टू इक्वल चार्जेज आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी और ये लाइन कह रहा है थर्ड चार्ज प्लेस्ड ऑन अ परपेंडिकुलर बायसेक्टर एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम इट्स सेंटर। ये सेंटर है, ये सेंटर है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा डी बाय टू, ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा डी बाय टू और यहां से एक्स डिस्टेंस पे ये डिस्टेंस एक्स दे रखा है, एक्स डिस्टेंस पे एक क्यू कूलम चार्ज रखा हुआ है, थर्ड चार्ज है, क्यू कूलम लेट कर लिया। कहता है एक्स का वैल्यू क्या होगा जिससे कि कूलम्बियन फोर्स मैक्सिमम हो, कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए। हम क्या करते हैं, इसको मिला दिया, इसको भी मिला दिया, ये एंगल थीटा, ये एंगल क्या है थीटा, तो ये प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू, क्या करेगा इसको रिपेल करेगा कितना से एफ वन से, ये भी इसको कितना से रिपेल करेगा एफ वन से, क्या कि ये डिस्टेंस वो था सेम, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय फोर का अंडर रूट, इतना ही होगा, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस डी बाय टू का होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो डी बाय टू का होल स्क्वायर करेंगे कितना होगा डी स्क्वायर बाय फोर, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा टू थीटा होगा। अब रिजल्टेंट कैसे पास करेगा, रिजल्टेंट इस दोनों के बीच से पास करेगा, ये रिजल्टेंट क्या होगा एफ और ये एफ कितना होगा हम पढ़े, जब दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का होता है तो रिजल्टेंट फोर्स टू एफ वन कॉस थीटा बाय टू, तो थीटा यहां पे कितना है टू थीटा, तो टू थीटा बाय क्या होगा टू, सो योर रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू टू एफ वन कॉस थीटा हो जाएगा। इसको हम लिख कर लिया इक्वेशन वन। अब एफ वन का वैल्यू और एफ टू का वैल्यू कैलकुलेट कर लो, एफ वन कितना आएगा, ये एफ वन होगा के क्यू इंटू क्यू, क्यू इंटू क्यू बाय दिस डिस्टेंस के स्क्वायर, ये डिस्टेंस कितना है एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय फोर का होल स्क्वायर करते हैं अंडर रूट का, तो इतना ही रहेगा। कॉस थीटा का क्या वैल्यू आएगा, कॉस थीटा का होता है बी बाय एच,
तो थीटा ये एंगल है, तो बेस क्या होगा, एक्स क्या हो जाएगा यहां पे, एक्स बाय ये साइड, ये साइड कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय फोर का अंडर रूट, अंडर रूट को वन बाय टू लिखा। अब कॉस थीटा और एफ वन का वैल्यू इक्वेशन वन में पुट कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है। फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन वन, तो वन में पुट करते हैं तो f इक्वल टू आएगा मेरा टू के क्यू इंटू क्यू बाय एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय फोर इंटू कॉस थीटा का वैल्यू आया है x बाय एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय फोर का पावर हाफ। ये वैल्यू मेरा हो जाएगा f इक्वल टू टू के क्यू इंटू क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय फोर का पावर थ्री बाय टू। इसको हमने ले लिया इक्वेशन टू, क्लियर है यहां पर। चले आगे, अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन एफ इज मैक्सिमम, एफ इज मैक्सिमम, फॉर मैक्सिमम एफ डी एफ मैक्स बाय डी एक्स का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। तो इक्वेशन वन को हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी एफ मैक्स बाय डी एक्स का वैल्यू क्या होगा, जीरो, और ये मेरा क्या है, कांस्टेंट फैक्टर है, और यहां पे एक्स भी था, ये एक्स भी रहेगा यहां पे, ठीक है। ये वैल्यू क्या है मेरा, कांस्टेंट फैक्टर है, इसको बाहर कर देते हैं, ये जीरो आएगा, मीन्स क्या आएगा मेरा, डी यहां पे आएगा एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय फोर का पावर थ्री बाय टू बाय डी एक्स का वैल्यू कितना आएगा, जीरो आएगा। समझ रहे हो क्यों जीरो आएगा, कंडीशन में कह रहा है इस पॉइंट पे फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम होगा, मीन्स डी एफ मैक्स बाय डी एक्स का वैल्यू जीरो, इसीलिए ये टर्म को डिफ्रेंशिएट अगर हम करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में उसका वैल्यू क्या आएगा, जीरो। अगर ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं पहले से, वाई इक्वल टू अगर यू बाय वी होता है, इसको अगर हम डी वाई बाय डी एक्स निकालते हैं, ये फॉर्मूला होता है वी डी यू बाय डी एक्स माइनस यू डी वी बाय डी एक्स डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। तो यहां यू के बदले में कितना है एक्स, वी के बदले में कितना है एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय फोर का पावर थ्री बाय टू। उसी फॉर्मूले पे पुट करते हैं हम, चले आगे मिटा दें, अब यू बाय वी वाले फॉर्मूले पे लगा देते हैं उसको। तो क्या है मेरा, तो यहां पे क्या है वी, तो वी के बदले में कितना है इतना वाला चीज, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय फोर का पावर थ्री बाय टू इंटू डी यू बाय डी एक्स मीन्स डी एक्स बाय डी एक्स माइनस यू, यू कितना है एक्स, डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय फोर का पावर थ्री बाय टू बाय डी एक्स डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। तो वी मेरा कितना है एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय फोर का पावर थ्री बाय टू है, तो थ्री बाय टू का होल स्क्वायर करें, थ्री बाय टू का स्क्वायर करेंगे तो ये कैंसिल, तो यहां पर क्या बचेगा थ्री इक्वल टू कितना होगा जीरो। बाय सॉल्विंग इट, सॉल्विंग इट वी गेट एक्स इक्वल टू डी बाय टू रूट टू, सो योर करेक्ट आंसर इज एक्स इक्वल टू डी बाय टू रूट टू। समझ गए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल हैविंग अ चार्ज 5×10⁻¹ कूलम्ब इज फिक्स्ड इन अ वर्टिकल वॉल। अ सेकेंड पार्टिकल बी ऑफ मास 100 ग्राम एंड हैविंग इक्वल चार्ज इज सस्पेंडेड बाय अ सिल्क थ्रेड ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल। द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इज 30 सेंटीमीटर अबव द पार्टिकल ए। फाइंड द एंगल ऑफ द थ्रेड विद द वर्टिकल व्हेन इट स्टे इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। पहले खुद से ट्राई कर ले, ट्राई किया जाए खुद से। क्वेश्चन में कह रहा है ये एक वर्टिकल वॉल है और वर्टिकल वॉल में किसी भी पॉइंट पर एक चार्ज को हमने फिक्स कर दिया। ये चार्ज ए है, यहां का मैग्नीट्यूड क्यू है और ए से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, ये जो डिस्टेंस दे रखा है हमको 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से एक सिल्क थ्रेड को लटका दिए हैं और सिल्क थ्रेड का भी लेंथ 30 सेंटीमीटर ही दिया हुआ है। देख रहे हैं सिल्क थ्रेड ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल, वॉल से सिल्क थ्रेड का लेंथ कितना है 30 सेंटीमीटर और इस पर भी चार्ज का, ये बी है, यहां भी चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू ही है। तो क्वेश्चन में कह रहा है ये एंगल बताइए क्या होगा, मींस थीटा इक्वल टू व्हाट, यही कैलकुलेट करना है। कब, जब ये इक्विलिब्रियम में है, मींस इक्विलिब्रियम केस में होगा तो नेट फोर्स इस पॉइंट पे क्या होगा जीरो होगा। आप देखो यहां पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है जरा दिखाते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा रिपेल करेगा, ये कूलम्बियन फोर्स लगेगा एफ। ये एम मास का पार्टिकल है बी जिसका मास 100 ग्राम है, एक फोर्स लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड जो होगा एम जी और इस थ्रेड में एक टेंशन होगा टी, मींस टी एफ और एम जी का वेक्टर सम क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए, तीनों का वेक्टर सम जीरो होगा, मीन्स यहाँ पे इक्विलिब्रियम के केस में। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं एफ टी और एम जी तीनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है डिफरेंट है, तो डिफरेंट है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाए कंपोनेंट तोड़ के बनाएंगे उससे भी बन जाएगा लेकिन वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। इसमें हम क्या करते हैं लामिस थ्योरम का कंसेप्ट लगाते हैं। आप देख रहे हो ये एफ, एफ के सामने वाला कौन सा एंगल है, ये टोटल एंगल है एफ के सामने वाला एंगल, इसको हमने लेट कर लिया अल्फा। एम जी के सामने वाला एंगल कौन है, ये है मेरा, एम जी के सामने वाले एंगल को हमने लेट कर लिया बीटा। और टी के सामने वाला एंगल कौन है, यहां से यहां तक टी के सामने वाला एंगल क्या है गामा। तो लामिस थ्योरम क्या कहता है, लामिस थ्योरम कहता है मींस एफ बाय, एफ के सामने वाला एंगल क्या है अल्फा, एफ बाय साइन अल्फा इक्वल होगा टी बाय साइन गामा, टी बाय साइन गामा इक्वल होगा एम जी के सामने वाला एंगल क्या है बीटा, एम जी बाय साइन बीटा, इसका हम नाम ले लें इक्वेशन वन। अब हमको अल्फा बीटा और गामा को कैलकुलेट करना है, ये एंगल कितना डिग्री है थीटा, कोई डिग्री नहीं दिया हुआ थीटा, इसको कैलकुलेट करना है। ये साइड 30 सेंटीमीटर, ये भी साइड 30 सेंटीमीटर है तो ये जो एंगल हो जाएगा मेरा 90 डिग्री माइनस थीटा बाय टू होगा। ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री माइनस थीटा बाय टू, ये भी एंगल कितना होगा 90 डिग्री माइनस थीटा बाय टू, मीन्स 90 माइनस थीटा बाय टू फिर 90 माइनस थीटा बाय टू प्लस थीटा सब जोड़ करके कितना डिग्री हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहां पे देखते हैं इसके स्ट्रेट लाइन एक हम खींच लेते हैं, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा
थीटा होगा, और ये मेरा ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली ओपोजिट एंगल है, तो 90 माइनस थीटा बाय टू, तो ये एंगल भी हो जाएगा मेरा 90 डिग्री माइनस थीटा बाय टू। तो गामा टोटल एंगल कितना हो जाएगा, टोटल एंगल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा बाय टू प्लस थीटा, तो थीटा में से थीटा बाय टू को माइनस करेंगे तो थीटा बाय टू आएगा। तो गामा कितना कैलकुलेट हो गया, गामा जो हो गया मेरा गामा हो गया मेरा 90 डिग्री प्लस थीटा बाय टू, गामा कैलकुलेट हो गया, मीन्स टी के सामने वाला एंगल कैलकुलेट हो गया। अब हम देखते हैं ये टोटल एंगल कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री, तो ये मेरा कितना है 90 डिग्री माइनस थीटा बाय टू, तो ये एंगल कितना डिग्री हो जाएगा यहां से यहां तक 90 डिग्री प्लस थीटा बाय टू, मीन्स ये दोनों को जोड़ करके 180 होना चाहिए, मीन्स 180 में से 90 डिग्री माइनस थीटा बाय टू को माइनस करेंगे तो 90 डिग्री प्लस थीटा बाय टू आएगा, मीन्स बीटा भी कितना कैलकुलेट हो गया, बीटा एंगल आ गया मेरा 90 डिग्री प्लस थीटा बाय टू। अब मेरे पास एक एंगल बचा हुआ अल्फा, ये एंगल है 90 डिग्री माइनस थीटा बाय टू, और ये टोटल एंगल होगा 180 डिग्री, तो 180 में से माइनस कर दे 90 डिग्री माइनस थीटा बाय टू प्लस थीटा को, तो ये एंगल मेरा आ जाएगा यहां से यहां तक 90 डिग्री माइनस थीटा बाय टू। सो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा बाय टू प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा बाय टू, टोटल एंगल हो जाएगा मेरा 180 डिग्री माइनस थीटा बाय टू। आप देखो यहां पे गामा का वैल्यू कैलकुलेट हो गया, बीटा का भी वैल्यू कैलकुलेट हो गया और अल्फा का भी वैल्यू कैलकुलेट हो गया। अब सारा का वैल्यू हम पुट कर देते हैं इक्वेशन वन में, क्या आएगा देखते हैं, यहां पर आएगा एफ बाई साइन, अल्फा कितना निकाले हैं 180 डिग्री माइनस थीटा बाय टू इक्वल टू टी बाय, गामा कितना है साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बाय टू, और एम जी बाय साइन बीटा, बीटा कितना है 90 डिग्री प्लस थीटा बाय टू। अब हम यहां से देख रहे हैं अगर इस दोनों को लेते हैं एक साथ, ये दोनों को, तो ये दोनों देखिए नीचे वाला दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, मीन्स टी किसके इक्वल हो जाएगा एम जी, टी इक्वल टू एम जी, मास कितना दे रखा है मास 100 ग्राम, मीन्स 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, जी का वैल्यू 10, सबको कैलकुलेट करें कितना आएगा 1 न्यूटन, मीन्स टी का वैल्यू कैलकुलेट हो गया हमको कितना आया है 1 न्यूटन। अगर इस क्वेश्चन में टी निकालने के लिए अगर पूछता हमको तो टी का आंसर 1 न्यूटन आता, लेकिन हमको थीटा पूछा है, अब थीटा कैलकुलेट करना है। अब हम क्या करते हैं ये दोनों इक्वेशन को ले लेते हैं, यहां से लेके यहां तक ले लें, टी का वैल्यू यहाँ पे 1 न्यूटन पुट कर देते हैं, देखते हैं यहां मिटा देते हैं इसको, टी का वैल्यू इसमें हम 1 न्यूटन पुट करेंगे, यहां पर कितना है एफ बाय साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बाय टू, मीन्स हो जाएगा साइन थीटा बाय टू इक्वल टू, टी का वैल्यू कितना है 1 न्यूटन, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बाय टू, इसको हम लिख लेते हैं एफ साइन थीटा को 2 sin θ/2 इंटू कॉस थीटा बाय टू, साइन थीटा का वैल्यू होता है 2 sin θ/2 इंटू कॉस थीटा बाय टू, अच्छा यहां देखते हैं जरा सा 90 डिग्री प्लस थीटा बाय टू, 90 डिग्री प्लस थीटा बाय टू, तो यहां पर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, ये दोनों को अगर हम ऐड करेंगे
90 डिग्री माइनस थीटा बाय टू प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा बाय टू, तो 180 डिग्री माइनस थीटा आएगा, मीन्स अल्फा का जो वैल्यू आएगा, अल्फा का जो वैल्यू आएगा 180 डिग्री माइनस थीटा आएगा। यहां पर मिस्टेक हो गया, सॉलिड टू से अल्फा का वैल्यू आएगा इतना 180 डिग्री माइनस थीटा, अल्फा का वैल्यू आएगा 180 डिग्री माइनस थीटा, तो यहां पर हो जाएगा साइन 180 डिग्री माइनस थीटा मीन्स साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, समझ गया। यहाँ पे 90 डिग्री माइनस थीटा बाय टू और 90 डिग्री माइनस थीटा बाय टू को दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री माइनस थीटा आएगा। ठीक, अब यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं एफ बाय टू साइन थीटा बाय टू वाई इंटू कॉस थीटा बाय टू इक्वल टू वन बाय कॉस थीटा बाय टू। तो कॉस थीटा बाय टू, कॉस थीटा बाय टू क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो वैल्यू क्या आएगा मेरा, मीन्स एफ बाई टू इक्वल टू साइन थीटा बाय टू आएगा, इसका नाम ले लिया हमने इक्वेशन नंबर थर्ड। अब एफ का वैल्यू कैलकुलेट करना है, अब एफ का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं यहां से, ये कोलंबियन फोर्स जो है मेरा एफ और दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम एक्स लेट कर लें, जो एफ का वैल्यू आएगा, एफ का जो वैल्यू आएगा के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, कितना आएगा के क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। एक्स मालूम नहीं है, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये सेंटर मार्क मिलेगा और ये डिस्टेंस जो होगा यहां से लेके यहां तक ये कितना होगा x बाय टू, तो उसमें हम लगा देते हैं साइन, ये एंगल कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा थीटा बाय टू, मीन साइन थीटा बाय टू इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है मेरा x बाय टू बाय दिस साइड इज हाइपोटेन्यूज, ये कितना हो जाएगा 0.3, 0.3 ये आएगा x बाय 0.6, सो x इक्वल टू 0.6 साइन थीटा बाय टू। अब x का वैल्यू यहां पे पुट कर दें, तो यहां पे पुट करते हैं x का वैल्यू, f इक्वल टू k q स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 0.36 साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, ये एफ का वैल्यू आया। अब ये एफ का वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं, देखते हैं एफ का वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट करके क्या आता है, इसका वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे क्या आएगा, एफ का वैल्यू पुट करते हैं तो ये आएगा के क्यू स्क्वायर बाय टू, यहां दिया हुआ है टू इंटू 0.36 साइन स्क्वायर थीटा बाय टू इक्वल टू साइन थीटा बाय टू, इतना आएगा। ये सारा हो जाएगा के क्यू स्क्वायर, इसको दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 2 12 3 2 6 7 0.72, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा मेरा साइन क्यू थीटा बाय टू, इतना आएगा। के का वैल्यू कितना होता है 9 × 10⁻⁹, क्यू कितना दिया हुआ है 5 × 10⁻⁷, इसका स्क्वायर कर देते हैं बाय कितना आएगा 0.72। चलते हैं आगे, ये इक्वल किसका हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा साइन क्यू थीटा बाय टू, 9 5 5 जा कितना हो जाएगा 25 × 10⁴, यहां 14 और 9 तो -5 बचेगा बाय 0.72 इक्वल टू साइन क्यू थीटा बाय टू, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 × 100 = 225 आएगा।
और 0.72 इंटू 10 पावर माइनस 5 इक्वल टू साइन क्यूब थीटा बाय 2। मीन्स मेरा वैल्यू एंगल आ रहा है साइन क्यूब थीटा बाय 2। आप इसको डिवाइड कर लोगे 225 बाय 0.72 इंटू 10 पावर माइनस 5। सो थीटा बाय 2 इक्वल टू 225 इंटू 10 पावर माइनस 5 बाय थीटा बाय 2 इक्वल टू साइन इनवर्स होगा, साइन इनवर्स 225 बाय 0.72 इंटू 10 पावर माइनस 5। सो द वैल्यू ऑफ थीटा, यहां से हम आते हैं यहां पे, थीटा अगर कैलकुलेट करेंगे थीटा इक्वल टू हो जाएगा मेरा 2 साइन इनवर्स, यहां पे मेरा क्यूब है तो यहां पे 1/3 हो जाएगा, साइन इनवर्स 225 0.72 इंटू 10 पावर माइनस 5 का 1/3। दिस इज योर एंगल विद द वर्टिकल, समझ गए आप तक। ये एंगल अप्रोक्स करीब करीब 26 डिग्री आता है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए चार्ज बॉल बी हैंग्स फ्रॉम अ सिल्क थ्रेड एस व्हिच मेक्स एन एंगल थीटा विद द लार्ज चार्ज कंडक्टिंग शीट पी एज शोन इन द फिगर। फिगर में दिया हुआ है, ये पी एक कंडक्टिंग सीट है और यहां से एक बॉल है जो हैंग है, एस है सिल्क का थ्रेड, एज शोन इन द फिगर। द सर्फेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ऑफ द सीट इज प्रोपोर्शनल टू, कहता है इस सीट पर जो सर्फेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है ये किसके प्रोपोर्शनल होगा बताइए। और ये बॉल इक्विलिब्रियम में है तो बॉल का मास एम होगा, तो एम जी क्या लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, थ्रेड पे टेंशन क्या होगा टी, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा थीटा, इस टी का कंपोनेंट इस एक्सिस पे क्या होगा टी कॉस थीटा, इधर मेरा क्या हो जाएगा टी साइन थीटा। इसके कारण इस बॉल पे फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, इधर, जो एफ इस पे क्यू कूलम चार्ज है और एफ इक्वल टू क्या होगा क्यू ई, तो ये इक्विलिब्रियम में है, मीन्स टी साइन थीटा, टी साइन थीटा क्यू ई के इक्वल होगा और टी कॉस थीटा एम जी के इक्वल होगा। दोनों को डिवाइड करते हैं तो टेन थीटा इक्वल टू क्यू ई बाय एम जी, इक्वेशन वन। और कंडक्टिंग सीट का इंटेंसिटी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, जहां सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं हम, टेन थीटा इक्वल टू क्यू सिग्मा एम जी एप्सिलॉन नॉट, सो क्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एम जी का वैल्यू आ जाएगा मेरा टेन थीटा, तो सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एम जी बाय क्यू टू टेन थीटा। अब एप्सिलॉन नॉट एम जी बाय क्यू का वैल्यू कांस्टेंट है, सो सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेन थीटा, तो कौन सा सही आंसर होगा वन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।